तो गाइस अब हम लोग एक ऐसी जगह पर घूमने जा रहे हैं जो आपको हम बाद में बताएंगे। ये हम बहुत एक्साइटेड हैं। ओके अम्बाला हरियाणा। बाय बाय। हम लोग आ गए हैं जीराकपुर। आप सर्च करके बताना जीराकपुर है कहाँ। कमेंट करो, सही कह रही। कमेंट करिए चाहे ना करिए पर अपने दिमाग में सोच करिए। ढेर सारा प्यार दीजिए, इनके चैनल ढेर सारा प्यार दीजिए। प्यार कहाँ जाएगा ऑनलाइन। बेल आइकन भी दबाओ यार। बेल आइकन मत दबाइएगा। नहीं दबाना है, दबाइएगा। कितनी दूर माए सिमले दिला चंबा कितनी दूर है। आगे क्या है। सिमले दिवसना कसौली दिवसना। सिमले दिवसना कसौली दिवसना चंबे जरूर है। माए नी मेरी सिमले दिलाए चंबा कितनी दूर। कैसे कैसे ऐसे ऐसे। तो मैं आज जा रही हूँ शिमला। जरा देखिए इधर, वाओ क्या व्यू है, गजब। ये लग रही है, जरा नज़ारा देखिए आप लोग। नज़ारा देखने वाला है, बस आप नज़ारा देखिए। क्या बोल रही हैं। बहुत गर्मी भी लग रही है, फिर क्या एक बहुत ठंड भी लग रही है। ये अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं कसौली और अभी शिमला पहुंचने में 2 घंटे हैं। तो थोड़ी सी वॉमिटिंग आ रही है हम, लेकिन फिर भी हम उतने ही एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं कब हम शिमला पहुँचें। बाय गाइस। जया जी के द्वारा आपको कुछ बोलना है, फिर से बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा मुझे यहाँ, जैसे कि मैं दोबारा रिपीट मारूंगी, यहाँ बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ लोगों की कंपनी बहुत अच्छी है और ये जगह भी बहुत सुंदर है। आसपास पहाड़ी पहाड़ है और हम कुछ देर में शिमला पहुँचेंगे तो आप आगे की अपडेट्स ब्लॉगर जागृति द्वारा पाएंगे। यहाँ मुझे 2 बार वॉमिटिंग हो चुकी है, बहुत भयंकर। और ये वॉमिटिंग अभी कब तक होगी मुझे नहीं पता, और मुझे बहुत देर से वॉमिटिंग फील हो रही थी। मुझे 2 बार वॉमिटिंग आ चुकी है, वॉमिटिंग कर करके। तो क्या जाए, आप इरिटेट हो चुकी है हमारी वॉमिटिंग से। नहीं बहुत ही खुश, हमने जो जो खाया था नहीं, अभी हमें खाने की बात करें। उल्टी करने के बाद ब्लॉगर जागृति 2-3 किलो वजन घटा चुकी है, पतली लग रही है, इनकी गाल पतली लग रही है। जो ठूस ठूस के हमने खाया था सुबह, उस सब काफी पतली होते हैं। ये मॉनेस्ट्री है,
हमारे पास ड्राइविंग के लिए देखो टू एक्सपेंसिव पर्सन, मतलब कोई सीधे एयरपोर्ट से हायर करे इतने एक्सपेंसिव पर्सन। ओह माय गॉड, वी आर सो लकी, है कि नहीं जय? बिल्कुल बिल्कुल सही, जिनके लिए बोल रही उनको समझ में आ गया। आ गया आ गया अब शिमला पहुंच चुके हैं गाइस, पर हालत बहुत खस्ती हो चुकी है, इतनी बार वॉमिटिंग हुई है, हम अब काउंटलेस पता भी नहीं है। गाइस ये है शिमला शहर, यहाँ भी ट्रैफिक लगती है। हैंड ओवर करते हैं आपकी ब्लॉगर जागृति जी को। तो गाइस 6 बज चुके हैं शाम के और मैं पहुंच चुकी हूँ शिमला, ये 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 ये, और आप देखिए हमारा रूम, ये हमारा रूम है गाइस। एक टीवी है जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इन्हें ठंड लग रही है, इन्होंने मुंह धुल लिया है, नहा वहाँ के लग रहा ही नहीं थी। ये इसका वॉशरूम है और ये रूम दूसरा रूम। तो गाइस कैसा लगा आपको? अरे हम कहाँ करेंगे। तो गाइस कैसा लगा आपको? कैसा लग रहा है जया? बहुत अच्छा, चिलिंग। आपको कैसा लग रहा है मैडम? इनकी कुल्फी बन गई है हमारा फालूदा, तो हम लोग मिल करके बन गए हैं कुल्फी फालूदा, ये। तो गाइज हम लोग माल रोड के तलिए चल रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ का 11 डिग्री है। पानी पीछे, ओके, ये पुराना पानी वाली है। नज़ारा देखते रहिए, नज़ारे की कमी नहीं है। बताइए तो बताइए हम लोग किधर जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं मॉल रोड गाइज, मॉल रोड की तरफ हम लोग जा रहे हैं गाइज। गाइज हमें बहुत मज़ा आ रहा है, ठंड बहुत हो रही है, देखिए इसमें कैमरे में भी दिख रहा होगा कि कैसा आ रहा है, खतरनाक ठंड पड़ रही है, एकदम मुंह लाल हो गया, थोड़ी गाइस ठंड को कड़ी चुनौती देते हुए हम कदम से कदम देखिए लाइन से बढ़ाते हुए जा रहे हैं। और देखिए मजा कतई खूबसूरत जगह है। अच्छा ये देखो गाइस, वीडियो फ्रंट कैमरा से,
हम लोग मॉल रोड जा रहे हैं, मॉल रोड पहुंचने वाले हैं, या ये कहें कि हम पहुंच चुके हैं। हमने सोचा बर्फ पड़ रही होगी, पर फिलहाल बर्फ तो नहीं पड़ रही है। पर उन्होंने बोला दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ पर शिमला में बर्फ पड़ती है। ये देखिए ये कितना प्यारा तो मेरे कैमरे से बना दो। नहीं नहीं ये फ्रंट कैमरे में ज़्यादा अच्छी आ रही है, फ्रंट कैमरे में ज़्यादा अच्छी आ रही है, बैक कैमरे में बहुत बकवास। शिमला समझो जगह आवाज़ नहीं निकल रही चलते चलते, हमारी हालत चढ़ने में खराब हुई। What a beautiful place! Wow! A beautiful place. बिल्कुल हम अंदर जा रहे हैं। Guys.
beautiful place. माल रोड हम लोगों ने पूरा देख लिया है.